हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास बुलेट है यानी कि रॉयल एनफील्ड है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने रिकॉल शुरू किया है। तो रॉयल एनफील्ड ने लगभग 2.36 लाख मोटरसाइकिल जो है वो अपने पास वापस मंगवाई है, रिकॉल किया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या होता है ये रिकॉल, और कब से कब तक की मैन्युफैक्चर की मंगवाई गई है बाइक्स, और क्या प्रॉब्लम्स है उन बाइक्स में, वो सभी जानकारी आपकी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। चाहे आपके पास मीट्योर है, चाहे आपके पास क्लासिक है, चाहे आपके पास बुलेट है, सिंपल बुलेट, तो उन सभी लोगों के लिए ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन लोगों के पास बुलेट है। और अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, रॉयल एनफील्ड का बुधवार को एक ऐलान आया था कि अपनी बाइक्स के लिए उन्होंने रिकॉल शुरू करने जा रहे हैं। तो इस रिकॉल में मिच्योर, क्लासिक और बुलेट शामिल है। तो इस रिकॉल को डिफेक्टिव इग्निशन कॉइल की वजह से शुरू किया गया है। इस रिकॉल में मोटरसाइकिल के 2,36,966 यूनिट्स को शामिल किया जाएगा। और खास बात यह है कि कंपनी की तरफ से शुरू किए गए इस रिकॉल में विदेशों में एक्सपोर्ट की गई मोटरसाइकिल्स को भी शामिल किया जाएगा, जिन्हें इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, इस जैसे देश शामिल है। तो रॉयल एनफील्ड भारत में एक आइकॉनिक ब्रांड है जिसकी क्रूजर और क्लासिक मोटरसाइकिल्स को खूब पसंद किया जाता है। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इन मोटरसाइकिल्स की अच्छी खासी डिमांड है। रॉयल एनफील्ड्स की मोटरसाइकिल्स कई दशकों से भारतीय सड़कों पर रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अब कुछ मोटरसाइकिल्स के इग्निशन कॉइल के खराबी के चलते इनमें काफी दिक्कतें आ रही हैं, जिससे कि बाइक का मिसफायर होना, परफॉर्मेंस में कमी, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, ऐसे समस्याएं जो है वो पेश हो रही हैं, जिन्हें जल्द से जल्द ठीक करने के लिए कंपनी की तरफ से ये रिकॉल शुरू किया गया है। तो चेन्नई बेस्ड कंपनी ने रूटीन इंटरनेशनल टेस्टिंग के दौरान बाइक में इस खराबी को पाया, टेस्टिंग के टाइम इस खराबी को पाया गया। और जिन बाइक्स में ये खराबी पाई गई है उनमें से मिट्योर को दिसंबर 2020 से लेकर अप्रैल 2021 के बीच तैयार किया गया है। क्लासिक और बुलेट की जानकारी जनवरी से अप्रैल 2021 के बीच में जिनको बनाया या बेचा गया है उन बाइकों को रिकॉल किया गया है। दोस्तों, जब आप बाइक लेते हैं तो अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर करवाते हैं, तो आपको ऑटो एसएमएस भी जरूर भेजा गया होगा जो जनवरी से अप्रैल में आपने क्लासिक और बुलेट ली है। और इसके अलावा अगर आपने मिट्योर ली है दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 के बीच, तो आप सभी को एक एसएमएस मिला होगा। तो जहां से जिस भी एजेंसी से आपने खरीदा है वहां से आप जरूर कॉन्टेक्ट करें। तो ये खराबी वैसे रेयर है, हर एक में नहीं है। तो रॉयल एनफील्ड डीलरशिप अपने ग्राहकों से संपर्क करेंगे और अपने व्हीकल, उनके पास एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जिससे वो मिलाएंगे और उससे पता करेंगे कि उनकी बॉक्स में खराबी है या नहीं। इसके बाद उन्हें वापस मंगवाकर दिक्कत को ठीक किया जाएगा, जिसके बाद ग्राहकों को बाइक समय से वापस भी की जा सकेगी। तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगी, क्योंकि बहुत सारे राइडर्स हैं जो इस वीडियो को देखते हैं और बहुत सारे राइडर्स हैं जो बुलेट यूज करते हैं। तो आप सभी को इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।